शो स्थानीय खबरों के साथ, चलिए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। तुर्की को लेकर अमेरिका का बड़ा एक्शन, टैरिफ में बढ़ोतरी के साथ लगाए प्रतिबंध। सीरिया के इलाकों में लगातार बमबारी करने के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया यह बड़ा कदम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को पहले ही कर दिया था, अगर तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। टैरिफ में बढ़ोतरी करने के साथ ही साथ ट्रंप ने 100 मिलियन यूए डॉलर की डील को खत्म करने का किया ऐलान। 70 साल बाद आए सबसे भीषण तूफान से बेहाल हुआ जापान, 142 नदियों के बाद आ जाने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तूफान की वजह से बुलेट ट्रेनों का भी हुआ बुरा हाल, ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से रोकना पड़ा परिचालन। नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के कुछ कथनों का हवाला देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए सिब्बल ने कहा कि अगर अब मोदी काम पर लग जाना चाहिए और तस्वीरें कम खिंचवानी चाहिए। अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाती स्थिति में, आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। अर्थशास्त्री के कथन का हवाला देते हुए सिब्बल ने मोदी को घेरा है। गौरतलब है कि भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जा रहा है। पीएमसी बैंक में जमा पूंजी निवेश करना एक ग्राहक को पड़ा महंगा, चली गई जान। मुंबई निवासी संजय गुलाटी ने 90 लाख रुपए पीएमसी बैंक में जमा करवाया था, जिसके बाद घोटाले की बात सुन उनके उड़ गए होश। संजय गुलाटी निवेशकों के साथ रैली में शामिल हुए और घर आते ही हो गई उनकी मौत। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मारी दहाड़, 70 साल से पाकिस्तान का जा रहे पानी को रोककर हरियाणा के घर घर तक पहुंचाने की कही बात। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा करने पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के चेहरे पर एक युवक ने फेंकी स्याही। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा, ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि पत्रकारों के ऊपर भी फेंकी गई स्याही और इस घटना के पीछे वही लोग हैं जो पहले से अपराध जगत में हैं सक्रिय। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी शोफिया और बहन सुरैया को पुलिस ने लिया हिरासत में, धारा 370 हटाने को लेकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। इन दोनों के अलावा विरोध प्रदर्शन करने वाली अन्य महिलाओं को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यह सभी महिलाएं जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का कर रही थी विरोध। सभी लाल चौक पर प्रताप पार्क में इकट्ठा होकर कर रही थी विरोध प्रदर्शन। अयोध्या में जोरों पर है दिवाली की तैयारी, इस साल तोड़ेगी 4 लाख दीपों का रिकॉर्ड। कांग्रेस को लगा एक बार फिर बड़ा झटका, प्रतापगढ़ की पूर्व सांसद और गांधी परिवार की करीबी मानी जाने वाली रत्ना सिंह ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, मिलाया बीजेपी से हाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रत्ना सिंह को दिलाई पार्टी की सदस्यता। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 88वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, उन्होंने 21वीं सदी के सक्षम और समर्थ भारत का सपना देखा था और इस दिशा में बहुत विशिष्ट योगदान दिया, उनका आदर्श जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे संवाददाता विराट दुबे के साथ। गृह मंत्री ने सीबीआई की तर्ज में सीआईडी को काम करने की दी नसीहत। साथ ही एक्सप्रेसवे की जांच पर बोलते हुए कहा, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी, लापरवाही पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। गृहमंत्री कामराज साहू के बंगले में सीआईडी विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी और सीआईडी के अफसर मौजूद थे। विभिन्न बुजुर्ग किसान से रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड 6 निवासी दुलकहा वर्मा ने शिकायत की थी। जमीन की नकल निकालने के लिए नाम पर 10,000 की मांग किया गया था। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के खिलाफ खेतान कमेटी की जांच पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। ओपी चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सी के खेतान की जांच की सौंपी थी। हाई कोर्ट ने उस जांच पर रोक लगा दी है। जमीन की अदला बदली का है मामला। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह की दी जन्मदिन की बधाई, कहा ईश्वर आपको स्वस्थ एवं दीर्घायु रखें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आज 68वां जन्मदिन है, सुबह से ही बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को जन्मदिन की बधाई ट्वीट कर दी है। वाम दलों का 16 अक्टूबर को बड़ा धरना प्रदर्शन, आर्थिक मंदी बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जिस तरह से देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है उसे देखते हुए वामपंथी पार्टियां 16 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगी। रतलाम स्थित धरना स्थल में तीनों वामपंथी पार्टियां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा लिबरेशन प्रदर्शन करेंगे। अमरजीत भगत ने दिखाया सख्त तेवर, कहा राशन कार्ड में हुई गड़बड़ी तो जिम्मेदार होंगे कलेक्टर।
प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बिलासपुर प्रवास के दौरान मसूरी SDM पर राशन कार्ड में गड़बड़ी के आरोप लगाने पर कलेक्टर से जवाब तलब कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। गांव में अतिक्रमण कर की जा रही प्रतिनिधियों की अवहेलना का मामला सामने आया है। पंचायत प्रतिनिधि ने किया सामूहिक इस्तीफे का ऐलान। गरियाबंद जिले के सिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम तर्रा पंचायत प्रतिनिधियों की बात अवहेलना कर ग्राम में किए गए अतिक्रमण के चलते कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफे का आवेदन सौंपा है। सुकमा मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर। तुलसी डोंगरी की पहाड़ियों में हुआ पुलिस नक्सली मुठभेड़। दो दिन पहले पुष्पाल थाना क्षेत्र से निकली थी DRC की पार्टी। मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। CM भूपेश की सभा को महाराष्ट्र के सखोली में नहीं मिली अनुमति। भड़के मुख्यमंत्री बघेल बोले, जहां प्रधानमंत्री एक दिन पहले सभा कर सकते हैं वहां मैं क्यों नहीं। यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP 24 न्यूज पर। और हाँ, हम YouTube में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।